राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के मामले में आज इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा जिन प्रश्नों को आपने कमेंट के द्वारा या मुझे ऑन कॉल पूछने का प्रयास किया है। तो उन प्रश्नों के क्या एक समुचित जवाब हो सकते हैं, यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन साथियों, मैं आपको थोड़ा सा निवेदन मानिए, रिक्वेस्ट मानिए, यदि आपको ये सूचनाएं पसंद हैं, आपको इन्फॉर्मेशन इन टाइम मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दीजिए। इससे हमारा जो टीम है उसको भी काम करने का थोड़ा प्रमोशन मिलेगा, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपका कुछ जाता नहीं है, यदि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको अच्छा फील होगा, ये ज़्यादा सर्च में जाएगा, ज़्यादा लोगों के पास ये सूचनाएँ पहुँचेंगी, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं कि परीक्षा जब होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो साथियों, इस प्रश्न का इस समय उत्तर देना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। हालांकि जो सेकंड लास्ट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सेकंड लास्ट एग्जाम हुई थी, उसमें एक पैटर्न रखा था कि जो आपका थर्ड पेपर जीके वाला होता है, उस जीके वाले पेपर को ऑनलाइन आयोजित करवाया था, और शेष जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं दोनों, उन दोनों पेपर्स को ऑफलाइन मोड पे आयोजित करवाया था। तो संभावना यही बनती है कि परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी, और ज़्यादातर जो संभावना यही है कि ऑफलाइन ही होनी चाहिए, और होगा तो फर्स्ट ये जो थर्ड पेपर है आपका जीके वाला, राजस्थान जीके, उसको हो सकता है ऑनलाइन आयोजित करवाया जा सकता। एक प्रश्न था आपका कि परीक्षा की एलिजिबिलिटी क्या होगी। देखिए साथियों, यदि आपने नेट कर रखा है या स्टेट राजस्थान स्टेट से आपने सेट परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, क्वालिफाई कर रखी है, तो आप इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं। ये कतई नहीं समझें कि आपने एमफिल नहीं कर रखी है या पीएचडी नहीं कर रखी है तो आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। पीएचडी और एमफिल से आपका एपीआई स्कोर जो है इंटरव्यू के समय में वो बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपकी जो प्राथमिक योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर में आवेदन करने के लिए, वो आपकी जो है वो नेट या सेट क्लियर होनी चाहिए आपकी, और वो भी आपको तुरंत नहीं, आपका जो इंटरव्यू कॉल होगा उससे पहले पहले आपकी सेट या नेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ये आपकी प्राथमिक योग्यता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि इसमें आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का साथियों ये है कि देखिए, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आप आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद में आरपीएससी द्वारा निर्धारित तिथि को आपको तीन पेपर्स में परीक्षा देनी होगी। फर्स्ट और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा और थर्ड पेपर आपका जीके, राजस्थान जीके होगा, और राजस्थान जीके में आपकी राजस्थान की पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आर्थिक समीक्षा और बजट है, कंटेम्पररी जो इश्यूज राजस्थान की राजनीति में चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में चल रहे हैं, उससे संबंधित पेपर होगा थर्ड पेपर। इन तीनों पेपर्स की सामूहिक जो है मेरिट बनेगी। मेरिट में यदि आप कवर करते हैं, मेरिट में यदि आपके अच्छे अंक आ रहे हैं, आप मेरिट में आ रहे हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल होगा, और इंटरव्यू यदि आप फाइट कर लेते हैं, आयोग को लगता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार हैं, तो फिर आपका जो अंतिम रूप से चयन की जो चयन सूची बनेगी उसमें आपका नाम आएगा और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन। कुछ साथियों ने प्रश्न पूछा था कि सर परीक्षा कब तक होगी, तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है और आपको परीक्षा की चिंता है, ये एक अच्छी बात भी है, आपको परीक्षा के प्रति चिंतित होना चाहिए, वाजिब बात है। तो देखिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है, मैंने आपको बताया था एक दूसरे वीडियो में कि अंतिम रूप से ये मान के चलिए कि आपके फरवरी माह से पहले पहले, फरवरी माह खत्म होगा उससे पहले पहले आपके हाथों में वैकेंसी होगी, तो इस हिसाब से मार्च का एक महीना आप जाने दीजिए उसके लिए आवेदन के लिए, और मार्च के बाद में फिर दो महीने, क्योंकि एक सामान्य सी परंपरा है कि तीन महीने का टाइम नोटिफिकेशन जारी होने और जो है परीक्षा के बीच में तीन महीने का टाइम आमतौर पे जो आरपीएससी परीक्षाएं आयोजित करवाते तो उसके दौरान इतना टाइम आमतौर पे दिया जाता है। तो इस हिसाब से या तो जून लास्ट में ही हो जाए, जो थोड़ा संभव कम लग रहा है, तो जुलाई में आपकी परीक्षा होगी नहीं, फिर इसका मतलब तो यही है कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करें तो अगस्त तक आपकी परीक्षा आयोग करवा सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार को भी ये परीक्षा जल्दी से जल्दी
कवर करनी है, पूरी करवानी है प्रोसेस, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से अगस्त तक परीक्षा आयोजित हो जानी चाहिए, ये एक संभावना मात्र है। बाकी तो देखिए समय पे जो नोटिफिकेशन आएगा उसके आधार पे ही कुछ बता पाना संभव। आपका एक प्रश्न ये भी था कि सर किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आ रही हैं, तो साथियों ये तो कैसे संभव है, जब तक नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, हमारे पास नहीं आएगा, तब तक ये बता पाना, एग्जैक्टली बता पाना संभव नहीं है। फिलहाल मैं ये बता सकता हूँ कि जो है प्राप्त सूचनाओं के आधार पे जो हमारे पास सूचनाएं हैं उसके आधार पे हिंदी विषय में सर्वाधिक पोस्ट आने की संभावना है, और अलग अलग सब्जेक्टों की जो भी वैकेंसी आएंगी वो तो आपके सामने आ ही जाएंगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही आपके लिए घातक साबित हो सकती है, इसलिए तैयारी को आप निरंतर करते रहिए। आपका एक प्रश्न ये भी था कि एक किसी मित्र ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला जो पैरा है वो इस बार की वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 वाली है उसमें लागू होगा या नहीं होगा, तो इस प्रश्न का भी प्रमाणित जो आंसर है वो तो दे पाना संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गार वाला प्रावधान है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार भी अपने अंतिम समय में है, तो वो कभी नहीं चाहेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे, तो इस हिसाब से गार वाला जो प्रावधान है मुझे नहीं लगता इस बार अप्लाई होगा, और जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह में अग्रसर हैं वो अपनी निरंतर तैयारी जारी रखें।